हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग टाइम है, नाश्ता हमने कर लिया है, माही धोरी है किचन में बर्तन, और आज है मेरा बहुत सारा काम। तो काम ये है कि बस पूछो मत, डेली घर की सफाई, कितना भी घर को साफ कर दो तो गंदा का गंदा ही रहता है। आज मैंने दीवान के सारे कपड़े उलट दिए हैं और वो रखे हैं छत में, क्योंकि अब ठंडी शुरू हो गई है। यहाँ पहाड़ों में तो बारिश और ठंड धूप एक जैसा हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। और ये देखो सारी चीज़ें इधर की उधर पड़ी हैं, आज बहुत ज़्यादा सफाई करनी है। और अंदर वाले रूम में भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, छत में भी रजाई वगैरह सब सुखाने रख दी है। और तो गाइस, मैं आ गई हूँ अंदर वाले कमरे में, और अंदर वाले कमरे में भी मेरे ऐसे कपड़े पड़े हैं। और ये देखो मेरे बच्चों के अच्छे अच्छे लहंगे, हर साल बच्चों को लहंगा हर शादी में अलग चाहिए, तो ये जितने भी पुराने पड़े हैं ऐसे पड़े हैं। और ये देखो बच्चे हो गए हैं बड़े, तो उनके गुड्ढे ऐसे लटक रहे हैं, कौन खेलेगा इनसे, घर पर कोई छोटा है नहीं, बेटियाँ बड़ी हो गई हैं और संभालना इनको बहुत मुश्किल हो गया है। और बच्चे किसी को देने भी नहीं देते, कहते हैं कि ना हमारी चीज़ किसी को देनी नहीं है। और यहाँ देखो गुड्डों की तो लाइन लगी है, अब करें तो क्या करें, मेरे को इधर उधर करना पड़ता है इनको, इनमें कितनी धूल लग जाती है, नीचे से ऊपर गुड्डे ही गुड्डे। और आज बहुत सारा काम है, और जब चलो माही के पास चलते हैं। माही कैसे लग रहा है बर्तन धोना? तो माही कह रही वाला आज मेरी छुट्टी क्यों हुई होगी, मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है। और चलो मैं थोड़ा बाहर चलती हूँ, बाहर भी मैंने क्या क्या कर रखा है वो आपको दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बाहर, और धूप बहुत अच्छी लगी है। और ये देखो ये मेरे तो कपड़ों की सैल लगी है, बिल्कुल सैल, गरम कपड़े ठंडे कपड़े। और अभी थोड़ी देर में मैं छत में जाने वाली हूँ, और कपड़े भी पड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए, आज काम ही काम है। और यहाँ पे एक दादी बैठी है, चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। गण दो मेरी खरी कोई, गण दो मेरा दुख, खूब है जान दू म्यार फोटो खिचान खूब हो जाना। हां मेरी बात क्या जी, फोटो खिचान ले खूब हो जान, मेरे खूब जान दसिन जी कृपा होंदी तो लोग डॉक्टर उन क्यों जांदा। तो हुन बुढ़िया हुन बाबा ने छते जाले तो लाग जा छी। हां जी तो मार मुंड तो चम चम कुनो का एक जुआ नी। हां बाबा दादी के तो एकदम बाल यहां छी गुड़िया, कभी नहीं छी ना बाबा कुछ नहीं, गुड़िया तरह बाल थी तुम्हारा तो कोई जुआ हुआ नहीं थी, बढ़िया मस्त मुड़ी थी तुम्हारा चकाचक, बैठ जाओ हो। तो दादी से मैं मिल गई हूँ, और अब चलती हूँ मैं अंदर, कुछ खाना वाने की तैयारी करते हैं। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ छत में, और यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने कंबल, और ये देखो बहुत अच्छी धूप लगी है, उस साइड पुल दिख रहा है, और ये बादल लगे हैं बहुत ही सुंदर बादल। अब इनको मैंने पलटना है, तो चलो मैं इनको पलट देती हूँ, और उसके बाद शाम को मैं इनको ले जाऊँगी नीचे। और अच्छे से सूख जाएंगी जरा, अभी ठीक है धूप, बढ़िया धूप लगी रे। आधे कपड़े कल भी डालने माही, ठीक है। कल पैड के डालेंगे। गाइस हमने पलट दिए, यहाँ पे लकड़ी सुखा रखी है, ये लकड़ी ना ठंडियों में काम आती है।
हमारी सास माँ इसे आग सेकती है और मुझे भी अच्छी लगती है आग सेकना। ये हमने कब से इकट्ठी कर रखी है और कुछ लकड़ी इस साइड भी है। और ये वाली ब्यूटी की ना मैं इस बार लेके आई थी, गाड़ी में लेके आई दूर से कहीं, और ये वाली लकड़ी भी हम अच्छी हो जाएंगी। इन लकड़ियों में हम ठंडियों में गर्म पानी भी करते हैं कभी कभी, जब लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं रहती तो गीजर नहीं चलता, तो इसी में करना पड़ता है हमको। और अब मैं चलूँगी नीचे, और नीचे भी बहुत सारे कपड़े हैं हमारे। और बहुत प्यारी हवा भी चल रही है साथ में ना, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। गाइस मैं आ गई हूँ छत से नीचे, और ये है मेरे प्यारे कान्हा जी। माँ ही ले आई थी कान्हा को बाहर, और कान्हा को जाना है अब अंदर मंदिर में, तो कान्हा जी को हम मंदिर में छोड़ के आएंगे। कान्हा जी के लिए छोटा सा भजन है ना कान्हा जी। मुकुट सिर मोर का मेरे चिते चोर का दोने ना सर का काटिले हैं कटार के दो नैना सरकार के काटिले हैं कटार के कमले लजाए तेरे मुखड़े को देख के भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे। बाय बाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।